अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे वालदैन, मेरे अजीज़ों कार, मेरे दोस्त अहबाब और जितने भी मुझे देखने वाले मेरे चाहने वाले, आप सबकी दुआओं से जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मजीद मेरी आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके। शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन, मैं आप लोगों को आज हमारे यहाँ पे कोहली भाई हैं, उनकी मैं घर की विजिट करवा रहा हूँ। तो चलते हैं, हम हिंदू भाई हमारे, तो उनके पास उनका घर है और उनका रहन सहन दिखाता हूँ मैं। चले आए, चलते हैं अंदर उनका रहन सहन। वीडियो को साथ ही रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इंशाल्लाह ताला। चलते हैं उनके घर अंदर देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी के घर बने हुए हैं, तो इसी तरह हमारे हिंदू भाई रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग जिस जहाँ पे अभी मैं आया हूँ, कोहली भाई हैं जिनके पास मैं अभी आया हूँ, तो इनका रहन सहन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे किस तरह रहते हैं। इन्होंने अमरूद का ये ठेका लिया हुआ था, बाग जो अमरूदों का, तो अभी बेचारे काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं। कहते हैं कि हमें जो है फसल उतनी नहीं हुई और रेट भी नहीं मिला। तो आए चलते हैं, इनका घर भी देखते हैं और इनका रहन सहन भी आप लोगों को दिखाता हूँ। आए अम्मा, क्या नाम है आपका? मुमल। तो अम्मा क्या कह रही थी आप? रेट जाम मांगे थे सी गरीब मानो केडा सा के मजदूरी पे कौन सी मिले। अच्छा। ठीको सा जाम रखतो है, भाण जाम मांगो थी, दवा जाम मांगी थी वे। सही। मजदूर जाम है उनकी 300 रुपया दा 400 रुपया तारीख है। सही। पेटी वनी पे 200 है, 150 जो पेटी वनी पे, उनमें सा के मजदूरी पे कौन सी मिले। बारदानो जाम 20 रुपया खाली पेटी है बारदाने की। अच्छा। किराया में सी उनमें पूरा थी 4 लाख रुपया के घाटो है, हेल तक खुदा करे की रकम थाई घणी की। तो जैसा कि अम्मा कह रही है कि हमें काफी बाग में नुकसान हो रहा है, तो रेट बहुत कम होने की वजह से जो जिम्मेदार जिससे ठेका लिया हुआ है तो उनका ठेका भी पूरा नहीं हो रहा। ना, तो फसल लगी नहीं है माँ, क्या हुआ है? तो अमरूद खाली पड़े हुए हैं। चलें सही हो गया। तो वही बात, रेट नहीं है ना। अच्छा, हाईब्रिड जो अमरूद आ गया उसका रेट है, ये हाईब्रिड नहीं है ना, ये फार्मी है। सही सही सही। तो घना बार है नमा मजा, पांच घर है अम्मा कह रही है। कितने बच्चे माशाल्लाह होंगे अम्मा? 10 बच्चे हैं यहाँ पे। तो आपके अम्मा कितने बेटे हैं? 6 बेटे हैं। तो अम्मा के 6 बेटे हैं, यही भी आपके साथ ही रहते हैं? आपके हस्बैंड तो सारे किधर हैं? सारे अम्मा सबको बुलाओ एक बार, सारे आ जाएं बच्चे। तो जैसे कि नाज़रीन ये देख सकते हैं सारे बच्चे अम्मा के आ जाएं, अदी वालों को भी, बहन वालों को भी बुला लो। तो ये जिस तरह ये अम्मा वालों का घर है यहाँ पे, ये घर बना हुआ है। अम्मा ये घर दिखा के आ जाऊँ, फिर सारे इकट्ठे हो जाओ। तो ये देख सकते हैं, ये चूल्हा बना हुआ है यहाँ पे, पानी रखा हुआ है, पानी गर्म कर रही हैं अदी। अदी क्या कर रही हैं आप, क्या नाम है आपका अदी? अनीता। तो अनीता बहन है, ये अभी पानी गर्म करने लगी, क्या करने लगी? सालन बनाने लगी। क्या बनाने लगी? इसे आलू पचाने लगी हैं। तो जिस तरह आलू का सालन बनाने लगी हैं, ये आपका बेटा है? तो क्या नाम है इसका दी बेटे का? राजवीर। राजवीर कितने बच्चे हैं आपके? आपके हस्बैंड का नाम क्या है, शोहर का? संतोष। कहाँ पे है वो? अच्छा, रक्षा। रक्षा उमरकोट, ठीक ठीक। तो जैसा कि अदी का जो हस्बैंड है, शोहर जो है, वो अभी रक्षा लेकर गया है और अमरूद बेचने के लिए इसी तरह मार्केट में। चलें ये देखें, इस तरह यहाँ पे रहते हैं। ये कमरा किचन है ये अम्मा, ये किचन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये आटा रखने की जगह बनाई हुई है। तो काफ़ी अंधेरा हो गया है यहाँ पे भी, तो तकरीबन में मगरिब का टाइम हो गया था। ये यहाँ पे बिस्तरे वगैरह रखे हुए इन्होंने, तो ये इस तरह ये लांडी टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे बाहर बरांडा। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई है, ये रूम है। तो इसी तरह आपने बेचारी मेहनत मजदूरी करते हैं सारे, ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप लोग। तो मेहनत मजदूरी करना आज के दौर में और इसी महंगाई के अंदर तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और जैसा कि नाजरीन, ये भी घर आपका ही है? चलें जी। जैसा कि नाजरीन, ये यहाँ पे मटके रखे हुए देख सकते हैं, ये चूल्हा है और ये गाइस नाजरीन देख सकते हैं, ये चारपाइयाँ पड़ी हुई इनकी इसी तरह बाहर, और ये बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं, ये मटके पानी के रखे हुए देख सकते हैं। हमारे मिंटू भाई यहाँ पे रहते हैं, ये इनके जानवर रखे हुए इन्होंने, ये देख सकते हैं आप लोग। ये अम्मा आधे आधे, तो जैसा कि ये नाज़रीन लोग इनको देते हैं माल पालने के लिए, तो ये इन्होंने माल रखे हुए अपने, तो चार अने इनके हो गए, 12 अने जो हैं वो जिनको जिन्होंने पालने के लिए दिया हुआ है।
तो वो उनके हो गए 12 नए। तो इसी तरह ये देखें नाजरीन, घर अपने बनाए हुए इन्होंने मट्टी के, माशाल्लाह की तरह इन्होंने मेहनत करके। अम्मा ने, अम्मा ये आपने बनाया घर? तो ये क्या मट्टी के अंदर रंग लगाया, क्या किया? रंग लगाया, मिट्टी के अंदर ही मिक्स किया था। अच्छा, मिट्टी का वो हाथ से मिट्टी लगाई है, बाद में पीछे रंग लगा दिया। तो माशाल्लाह देखें जी किस तरह ये खूबसूरत। अच्छा, बेटी की शादी हो रही है, माशाल्लाह आपको मुबारक हो। हमारा बेटी की शादी हो रही, तो कहाँ है इधर दिखाएं। तो नाज़रीन जिस तरह अम्मा की बेटी की शादी भी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं इनको बेचारों को कितनी परेशानी है। तो बच्चों की, ये घरों की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेचारे ये बैठे हैं, अमरूद का ठेका लिया था उसमें भी नुकसान हो रहा है, तो आमदनी इतनी हो नहीं रही। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये जिस तरह ये पेटी पड़ी हुई है और यहाँ पे ये चारपाई रखी हुई है। ये अपनी बेटी को देने के लिए रखा है सामान। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, तो ये इस तरह बनाया हुआ इन्होंने अपने रूम वगैरह। तो चलते हैं रूम देखते हैं नाज़रीन, ये रूम है अंदर। तो ये बर्तन वगैरह रखे हुए इसी तरह। तो ये अदी बैठी हुई है। तो अदी बेटी की शादी की है। अच्छा, तो बहन की शादी। अच्छा अच्छा, तो इस बहन की शादी है, तो दूसरी साथ वो बैठी हुई, वो कौन है इसके साथ छोटी? अच्छा अच्छा था, सही से। तो आप लोग इसी तरह बैठा देते हैं। अच्छा, वना पे बैठ रहे, वो क्या बोला? तो वना पे बैठी हुई देख सकते हैं नाजरीन इसी तरह। ये अपनी बच्चों की जब शादी होती है तो इसी तरह बिठा देते हैं। कितने दिन बिठाते हैं ये? 7 दिन। 7 दिन, 7 दिन बिठाते हैं। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन बैठते हैं इसी तरह। इसी तरह तो 7 दिन के बाद फिर शादी होती है। चलें ठीक है नाजरीन, जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि 7 दिनों के बाद। आपकी बेटी की शादी है ये? आपकी भतीजी? आपकी भाणे जी है। ठीक ठीक ठीक, चलें नाजरीन चलते हैं भाई। तो आए, यहाँ भी इसी तरह रूम बना हुआ है और इसी तरह अपनी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह इन्होंने अपने घरों को, इस मट्टी के घरों को भी देखें माशाल्लाह इन्होंने किस तरह खूबसूरती से सजाया हुआ है और किस तरह बनाया हुआ है अपनी मेहनत से, हाथों की। आप देख सकते हैं नाज़रीन कितनी मेहनत करते हैं। चाचा को जिस तरह उर्दू नहीं आती, तो अभी चाचा से मैं सिंधी में पूछ के आप लोगों को ट्रांसलेट करूँगा उर्दू में। चाचा, ये तवा जी फैमिली है सर जी? अच्छा, तवा छा नाल हो चाचा? सोम जी। तवा जा घणा पुटन चाचा? टे पुटन। ऐं हुन पुटन जो नालो? नालो वॾे जो पारू नालो, ऐं ॿियो गंगाराम नालो, ऐं ॿियो आलम। आलम, हुननि जी घणा पुट आहिनि ॿारनि? आलम जा आहिनि 4 निगरियूं आहिनि जी, ऐं पारू जो महीना 4 निगरियूं आहिनि। सही, ऐं 2 पुट आहिनि। तो जैसा कि नाज़रीन ये बता रहे हैं, चाचा के 4 बेटे हैं, तो उनके भी आगे माशाल्लाह 3-3, 4-4 बच्चे इसी तरह हैं। तो 4-4 बच्चे हैं, ये सारी पूरी फैमिली माशाल्लाह खड़ी हुई है यहाँ पे। अदी आप भी सामने आ जाइए यहाँ पे अदी। तो ये आपकी, आपकी वाइफ है? अच्छा, जब ये भाई की वाइफ है वो, तो जिस तरह ये माशाल्लाह ये पूरी फैमिली है। अच्छा, ये बेटी है? अच्छा अच्छा, आपकी बेटी है? अच्छा, ये आपकी बेटी है? सही सही सही, सॉरी। तो ये भाई की बेटी है माशाल्लाह। चले जी, इस तरह चलें जी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे हमेशा, इसी तरह हंसते हंसते खुश रहा करें। अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा एक ना एक दिन। हिम्मत, और हिम्मत भी कहते हाँ, हिम्मत मदा मदद खुदा, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करने वाला है। चलें जी नाज़रीन, तो जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने देखा यहाँ पे माशाल्लाह ये भाई हमारे सारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, तो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। इनका रहन सहन भी मैंने आप लोगों को दिखाया, कितनी मुश्किल भी इनको पेश आती हैं यहाँ पे। तो ये अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। अमरूदों का इन्होंने ठेका लिया हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे भी उनको बेचारों को कुछ काफ़ी नुकसान हो गया। तो अभी भाई बता रहे थे रेट नहीं है अमरूद का, तो इसी तरह मेहनत करते हैं। लोगों को मैंने यहाँ का रिव्यू दिखाया, इनका घर का रेंट सेंट दिखाया। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।